दोस्तों, अगर आप भी बरेली की बर्फी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरेली की बर्फी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 18 अगस्त 2017 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी बरेली की बर्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। 2017 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों, ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी के डायरेक्टर हैं अश्विनी अय्यर तिवारी, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जानी डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 86% तक लाइक किया है। तो दोस्तों, ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, कीर्ति सेनन, आयुष्मान खुराना, पंकज त्रिपाठी, स्वाति सेमवाल, सीमा पावा, जावेद अख्तर, नेला अग्रवाल, रोहित चौधरी, सपना सेठ आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 2 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी शुरू होती है बरेली में एक गुस्सेल लड़की बिट्टी मिश्रा अरेंज मैरिज के एक और असफल प्रयास के बाद घर से भाग जाती है। ट्रेन की प्रतीक्षा करते समय वे एक किताब बरेली की बर्फी खरीदती है और पढ़ती है, और उसे ये जानकर झटका लगता है कि वे बर्फी है जिसका नाम मुख्य पात्र है। वे घर लौटती है और लेखक का पता लगाने का फैसला करती है, जिसका उल्लेख पिछले कवर पर प्रतिम विद्रोही के रूप में किया गया है। वे इस तथ्य से खुश है कि कोई है जो उसे उसी तरह प्यार करेगा जैसे वे है। किताब उसी दुकान का मालिक उसी चिराग दुबे के पास ले जाता है जो उसे प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है, जहाँ किताब प्रकाशित हुई थी, जो उसे सूचित करता है कि विद्रोही अब शेर में नहीं रहता। वे बिट्टी के लिए दूत बनने विद्रोही को उसने पत्र पहुँचाने और उसके उत्तर वापस लाने के लिए सहमत हो जाते हैं। हालांकि बिट्टी इस तथ्य से अनजान है कि चिराग किताब के मूल लेखक है। उन्होंने इसे 5 साल पहले तब लिखा था जब उनकी तत्कालीन प्रेमिका बबली उपन्यास की बर्फी ने किसी और से शादी कर ली थी। विद्रोही एक दोस्त का नाम है जिसका इस्तेमाल चिराग ने अपने उपन्यास को प्रकाशित करने के लिए उपमान के नाम में रूप किया है। चूंकि बिट्टू खुद को बर्फी समझती है, इसलिए चिराग ये पता लगाना चाहता है कि क्या वे वास्तव में उसकी पूर्व प्रेमिका की तरह है, एक सहयोग जो उसे प्यार का दूसरा मौका दे सकता है। बिट्टी और चिराग कभी भी दोस्त बन गए, लेकिन वे अभी भी लेखक विद्रोही से मिलने की इच्छा रखती है जो उसे पत्रों का उत्तर भेजता रहा है। अभी
अभी तक इसे दिखावे से छुटकारा पाने को तैयार नहीं। वह बिट्टी को असली विद्रोही से मिलने की व्यवस्था करता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी बरेली की बर्फी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरेली की बर्फी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी की कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 18 अगस्त 2017 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी बरेली की बर्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। 2017 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं अश्विनी अय्यर तिवारी, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जानी डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 86% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, कीर्ति सेनन, आयुष्मान खुराना, पंकज त्रिपाठी, स्वाति सेमवाल, सीमा पावा, जावेद अख्तर, नेला अग्रवाल, रोहित चौधरी, सपना सेठ आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 2 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बरेली में एक गुस्से लड़की बिट्टी मिश्रा अरेंज मैरिज के एक और असफल प्रयास के बाद घर से भाग जाती है। ट्रेन की प्रतीक्षा करते समय वे एक किताब बरेली की बर्फी खरीदती है और पढ़ती है, और उसे ये जानकर झटका लगता है कि वे बर्फी है जिसका नाम मुख्य पात्र है। वे घर लौटती है और लेखक का पता लगाने का फैसला करती है, जिसका उल्लेख पिछले कवर पर प्रतिम विद्रोही के रूप में किया गया है। वे इस तथ्य से खुश है कि कोई है जो उसे उसी तरह प्यार करेगा जैसे वे है। किताब उसी दुकान का मालिक उसी चिराग दुबे के पास ले जाता है जो उसे प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है, जहाँ किताब प्रकाशित हुई थी, जो उसे सूचित करता है कि विद्रोही अब शेर में नहीं रहता। वे बिट्टी के लिए दूत बनने विद्रोही को उसने पत्र पहुँचाने और उसके उत्तर वापस लाने के लिए सहमत हो जाते हैं। हालांकि बिट्टी इस तथ्य से अनजान है कि चिराग किताब के मूल लेखक है। उन्होंने इसे 5 साल पहले तब लिखा था जब उनकी
तत्कालीन प्रेमिका बबली उपन्यास की बर्फी ने किसी और से शादी कर ली थी। विद्रोही एक दोस्त का नाम है जिसका इस्तेमाल चिराग ने अपने उपन्यास को प्रकाशित करने के लिए उपमान के नाम में रूप किया है। चूंकि बिट्टू खुद को बर्फी समझती है, इसलिए चिराग ये पता लगाना चाहता है कि क्या वे वास्तव में उसकी पूर्व प्रेमिका की तरह है, एक संयोग जो उसे प्यार का दूसरा मौका दे सकता है। बिट्टी और चिराग कभी भी दोस्त बन गए, लेकिन वे अभी भी लेखक विद्रोही से मिलने की इच्छा रखती है, जो उसे पत्रों का उत्तर भेजता रहा है। अभी तक इसे दिखावे से छुटकारा पाने को तैयार नहीं, वह बिट्टी को असली विद्रोही से मिलने की व्यवस्था करता है। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी बरेली की बर्फी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरेली की बर्फी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 18 अगस्त 2017 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी बरेली की बर्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। 2017 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी, और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों, ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी के डायरेक्टर हैं अश्विन अय्यर तिवारी, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जानी डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 86% तक लाइक किया है। तो दोस्तों, ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, कीर्ति सेनन, आयुष्मान खुराना, पंकज त्रिपाठी, स्वाति सेमवाल, सीमा पावा, जावेद अख्तर, नेला अग्रवाल, रोहित चौधरी, सपना सेठ आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 2 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी शुरू होती है बरेली में एक गुस्सेल लड़की बिट्टी मिश्रा अरेंज मैरिज के एक और असफल प्रयास के बाद घर से भाग जाती है। ट्रेन की प्रतीक्षा करते समय वे एक किताब बरेली की बर्फी खरीदती है और पढ़ती है, और उसे ये जानकर झटका लगता है कि वे बर्फी है जिसका नाम मुख्य पात्र है। वे घर लौटती है और लेखक का पता लगाने का फैसला करती है।
है, जिसका उल्लेख पिछले कवर पर प्रतिम विद्रोही के रूप में किया गया है। वे इस तथ्य से खुश है कि कोई है जो उसे उसी तरह प्यार करेगा जैसे वह है। किताब उसी दुकान का मालिक उसी चिराग दुबे के पास ले जाता है जो उसे प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है, जहाँ किताब प्रकाशित हुई थी, जो उसे सूचित करता है कि विद्रोही अब शेर में नहीं रहता। वे बिट्टी के लिए दूत बनने विद्रोही को उसने पत्र पहुँचाने और उसके उत्तर वापस लाने के लिए सहमत हो जाते हैं। हालांकि बिट्टी इस तथ्य से अनजान है कि चिराग किताब के मूल लेखक है। उन्होंने इसे 5 साल पहले तब लिखा था जब उनकी तत्कालीन प्रेमिका बबली उपन्यास की बर्फी ने किसी और से शादी कर ली थी। विद्रोही एक दोस्त का नाम है जिसका इस्तेमाल चिराग ने अपने उपन्यास को प्रकाशित करने के लिए उपमान के नाम में रूप किया है। चूंकि बिट्टू खुद को बर्फी समझती है, इसलिए चिराग ये पता लगाना चाहता है कि क्या वे वास्तव में उसकी पूर्व प्रेमिका की तरह है, एक संयोग जो उसे प्यार का दूसरा मौका दे सकता है। बिट्टी और चिराग कभी भी दोस्त बन गए, लेकिन वे अभी भी लेखक विद्रोही से मिलने की इच्छा रखती है जो उसे पत्रों का उत्तर भेजता रहा है। अभी तक इसे दिखावे से छुटकारा पाने को तैयार नहीं, वह बिट्टी को असली विद्रोही से मिलने की व्यवस्था करता है। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी बरेली की बर्फी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरेली की बर्फी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 18 अगस्त 2017 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी बरेली की बर्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। 2017 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं अश्विन अय्यर तिवारी, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जानी डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 86% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, कीर्ति सेनन, आयुष्मान खुराना, पंकज त्रिपाठी, स्वाति सेमवाल, सीमा पावा, जावेद अख्तर, नेला ग्रेवाल, रोहित चौधरी, सपना सेठ आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 2 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है।
जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी शुरू होती है बरेली में एक गुस्सेल लड़की बिट्टी मिश्रा अरेंज मैरिज के एक और असफल प्रयास के बाद घर से भाग जाती है। ट्रेन की प्रतीक्षा करते समय वे एक किताब बरेली की बर्फी खरीदती है और पढ़ती है, और उसे ये जानकर झटका लगता है कि वे बर्फी है जिसका नाम मुख्य पात्र है। वे घर लौटती है और लेखक का पता लगाने का फैसला करती है, जिसका उल्लेख पिछले कवर पर प्रतिम विद्रोही के रूप में किया गया है। वे इस तथ्य से खुश है कि कोई है जो उसे उसी तरह प्यार करेगा जैसे वह है। किताब उसी दुकान का मालिक उसे चिराग दुबे के पास ले जाता है, जो उसे प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है, जहाँ किताब प्रकाशित हुई थी, जो उसे सूचित करता है कि विद्रोही अब शेर में नहीं रहता। वे बिट्टी के लिए दूत बनने विद्रोही को उसने पत्र पहुँचाने और उसके उत्तर वापस लाने के लिए सहमत हो जाते हैं। हालांकि बिट्टी इस तथ्य से अनजान है कि चिराग किताब के मूल लेखक है। उन्होंने इसे 5 साल पहले तब लिखा था जब उनकी तत्कालीन प्रेमिका बबली उपन्यास की बर्फी ने किसी और से शादी कर ली थी। विद्रोही एक दोस्त का नाम है जिसका इस्तेमाल चिराग ने अपने उपन्यास को प्रकाशित करने के लिए उपमान के नाम में रूप किया है। चूंकि बिट्टू खुद को बर्फी समझती है, इसलिए चिराग ये पता लगाना चाहता है कि क्या वे वास्तव में उसकी पूर्व प्रेमिका की तरह है, एक सहयोग जो उसे प्यार का दूसरा मौका दे सकता है। बिट्टी और चिराग कभी भी दोस्त बन गए, लेकिन वे अभी भी लेखक विद्रोही से मिलने की इच्छा रखती है, जो उसे पत्रों का उत्तर भेजता रहा है। अभी तक इसे दिखावे से छुटकारा पाने को तैयार नहीं, वह बिट्टी को असली विद्रोही से मिलने की व्यवस्था करता है। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी बरेली की बर्फी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरेली की बर्फी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 18 अगस्त 2017 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी बरेली की बर्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। 2017 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी, और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों, ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी के डायरेक्टर हैं अश्विन अय्यर तिवारी, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जानी डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 86% तक लाइक किया है। तो दोस्तों, ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, कीर्ति सेनन, आयुष्मान खुराना, पंकज त्रिपाठी, स्वाति सेमवाल, सीमा पावा, जावेद अख्तर, नेला अग्रवाल, रोहित चौधरी, सपना सेड आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 2 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बरेली में एक गुस्सेल लड़की बिट्टी मिश्रा अरेंज मैरिज के एक और असफल प्रयास के बाद घर से भाग जाती है। ट्रेन की प्रतीक्षा करते समय वे एक किताब बरेली की बर्फी खरीदती है और पढ़ती है, और उसे ये जानकर झटका लगता है कि वे बर्फी है जिसका नाम मुख्य पात्र है। वे घर लौटती है और लेखक का पता लगाने का फैसला करती है, जिसका उल्लेख पिछले कवर पर प्रतिम विद्रोही के रूप में किया गया है। वे इस तथ्य से खुश है कि कोई है जो उसे उसी तरह प्यार करेगा जैसे वह है। किताब उसी दुकान का मालिक उसी चिराग दुबे के पास ले जाता है जो उसे प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है, जहाँ किताब प्रकाशित हुई थी, जो उसे सूचित करता है कि विद्रोही अब शेर में नहीं रहता। वे बिट्टी के लिए दूत बनने विद्रोही को उसने पत्र पहुँचाने और उसके उत्तर वापस लाने के लिए सहमत हो जाते हैं। हालांकि बिट्टी इस तथ्य से अनजान है कि चिराग किताब के मूल लेखक है। उन्होंने इसे 5 साल पहले तब लिखा था जब उनकी तत्कालीन प्रेमिका बबली उपन्यास की बर्फी ने किसी और से शादी कर ली थी। विद्रोही एक दोस्त का नाम है जिसका इस्तेमाल चिराग ने अपने उपन्यास को प्रकाशित करने के लिए उपमान के नाम में रूप किया है। चूंकि बिट्टू खुद को बर्फी समझती है, इसलिए चिराग ये पता लगाना चाहता है कि क्या वे वास्तव में उसकी पूर्व प्रेमिका की तरह है, एक सहयोग जो उसे प्यार का दूसरा मौका दे सकता है। बिट्टी और चिराग कभी भी दोस्त बन गए, लेकिन वे अभी भी लेखक विद्रोही से मिलने की इच्छा रखती है जो उसे पत्रों का उत्तर भेजता रहा है। अभी तक इसे दिखावे से छुटकारा पाने को तैयार नहीं, वह बिट्टी को असली विद्रोही से मिलने की व्यवस्था करता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी बरेली की बर्फी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरेली की बर्फी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 18 अगस्त 2017 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी बरेली की बर्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। 2017 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है,
तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं अश्विन अय्यर तिवारी, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जानी डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 86% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, कीर्ति सेनन, आयुष्मान खुराना, पंकज त्रिपाठी, स्वाति सेमवाल, सीमा पावा, जावेद अख्तर, नेला अग्रवाल, रोहित चौधरी, सपना सेठ आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 2 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बरेली में एक गुस्सेल लड़की बिट्टी मिश्रा अरेंज मैरिज के एक और असफल प्रयास के बाद घर से भाग जाती है। ट्रेन की प्रतीक्षा करते समय वे एक किताब बरेली की बर्फी खरीदती है और पढ़ती है, और उसे ये जानकर झटका लगता है कि वे बर्फी है जिसका नाम मुख्य पात्र है। वे घर लौटती है और लेखक का पता लगाने का फैसला करती है, जिसका उल्लेख पिछले कवर पर प्रतिम विद्रोही के रूप में किया गया है। वे इस तथ्य से खुश है कि कोई है जो उसे उसी तरह प्यार करेगा जैसे वह है। किताब उसी दुकान का मालिक उसी चिराग दुबे के पास ले जाता है जो उसे प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है, जहाँ किताब प्रकाशित हुई थी, जो उसे सूचित करता है कि विद्रोही अब शेर में नहीं रहता। वे बिट्टी के लिए दूत बनने विद्रोही को उसने पत्र पहुँचाने और उसके उत्तर वापस लाने के लिए सहमत हो जाते हैं। हालांकि बिट्टी इस तथ्य से अनजान है कि चिराग किताब के मूल लेखक है। उन्होंने इसे 5 साल पहले तब लिखा था जब उनकी तत्कालीन प्रेमिका बबली उपन्यास की बर्फी ने किसी और से शादी कर ली थी। विद्रोही एक दोस्त का नाम है जिसका इस्तेमाल चिराग ने अपने उपन्यास को प्रकाशित करने के लिए उपमान के नाम में रूप किया है। चूंकि बिट्टू खुद को बर्फी समझती है, इसलिए चिराग ये पता लगाना चाहता है कि क्या वे वास्तव में उसकी पूर्व प्रेमिका की तरह है, एक सहयोग जो उसे प्यार का दूसरा मौका दे सकता है। बिट्टी और चिराग कभी भी दोस्त बन गए, लेकिन वे अभी भी लेखक विद्रोही से मिलने की इच्छा रखती है जो उसे पत्रों का उत्तर भेजता रहा है। अभी तक इसे दिखावे से छुटकारा पाने को तैयार नहीं, वह बिट्टी को असली विद्रोही से मिलने की व्यवस्था करता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी बरेली की बर्फी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरेली की बर्फी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है।
आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 18 अगस्त 2017 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी बरेली की बर्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। 2017 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं अश्विन अय्यर तिवारी, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जानी डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 86% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, कीर्ति सेनन, आयुष्मान खुराना, पंकज त्रिपाठी, स्वाति सेमवाल, सीमा पावा, जावेद अख्तर, नेला अग्रवाल, रोहित चौधरी, सपना सेठ आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 2 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बरेली में एक गुस्सेल लड़की बिट्टी मिश्रा अरेंज मैरिज के एक और असफल प्रयास के बाद घर से भाग जाती है। ट्रेन की प्रतीक्षा करते समय वे एक किताब बरेली की बर्फी खरीदती है और पढ़ती है, और उसे ये जानकर झटका लगता है कि वे बर्फी है जिसका नाम मुख्य पात्र है। वे घर लौटती है और लेखक का पता लगाने का फैसला करती है, जिसका उल्लेख पिछले कवर पर प्रतिम विद्रोही के रूप में किया गया है। वे इस तथ्य से खुश है कि कोई है जो उसे उसी तरह प्यार करेगा जैसे वह है। किताब उसी दुकान का मालिक उसी चिराग दुबे के पास ले जाता है जो उसे प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है, जहाँ किताब प्रकाशित हुई थी, जो उसे सूचित करता है कि विद्रोही अब शेर में नहीं रहता। वे बिट्टी के लिए दूत बनने विद्रोही को उसने पत्र पहुँचाने और उसके उत्तर वापस लाने के लिए सहमत हो जाते हैं। हालांकि बिट्टी इस तथ्य से अनजान है कि चिराग किताब के मूल लेखक है। उन्होंने इसे 5 साल पहले तब लिखा था जब उनकी तत्कालीन प्रेमिका बबली उपन्यास की बर्फी ने किसी और से शादी कर ली थी। विद्रोही एक दोस्त का नाम है जिसका इस्तेमाल चिराग ने अपने उपन्यास को प्रकाशित करने के लिए उपमान के नाम में रूप किया है। चूंकि बिट्टू खुद को बर्फी समझती है, इसलिए चिराग ये पता लगाना चाहता है कि क्या वे वास्तव में उसकी पूर्व प्रेमिका की तरह है, एक सहयोग जो उसे प्यार का दूसरा मौका दे सकता है। बिट्टी और चिराग कभी भी दोस्त बन गए, लेकिन वे अभी भी लेखक विद्रोही से मिलने की इच्छा रखती है जो उसे पत्रों का उत्तर भेजता रहा है। अभी तक इसे दिखावे से छुटकारा पाने को तैयार नहीं। वह बिट्टी को असली विद्रोही से मिलने की व्यवस्था करता है।
तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी बरेली की बर्फी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरेली की बर्फी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 18 अगस्त 2017 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी बरेली की बर्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। 2017 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं अश्विनी अय्यर तिवारी, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जानी डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 86% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, कीर्ति सेनन, आयुष्मान खुराना, पंकज त्रिपाठी, स्वाति सेमवाल, सीमा पावा, जावेद अख्तर, नेला अग्रवाल, रोहित चौधरी, सपना सेठ आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 2 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बरेली में एक गुस्सेल लड़की बिट्टी मिश्रा अरेंज मैरिज के एक और असफल प्रयास के बाद घर से भाग जाती है। ट्रेन की प्रतीक्षा करते समय वे एक किताब बरेली की बर्फी खरीदती है और पढ़ती है, और उसे ये जानकर झटका लगता है कि वे बर्फी है जिसका नाम मुख्य पात्र है। वे घर लौटती है और लेखक का पता लगाने का फैसला करती है, जिसका उल्लेख पिछले कवर पर प्रतिम विद्रोही के रूप में किया गया है। वे इस तथ्य से खुश है कि कोई है जो उसे उसी तरह प्यार करेगा जैसे वह है। किताब उसी दुकान का मालिक उसी चिराग दुबे के पास ले जाता है जो उसे प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है, जहाँ किताब प्रकाशित हुई थी, जो उसे सूचित करता है कि विद्रोही अब शेर में नहीं रहता। वे बिट्टी के लिए दूत बनने विद्रोही को उसने पत्र पहुँचाने और उसके उत्तर वापस लाने के लिए सहमत हो जाते हैं। हालांकि बिट्टी इस तथ्य से अनजान है कि चिराग किताब के मूल लेखक है। उन्होंने इसे 5 साल पहले तब लिखा था जब उनकी तत्कालीन प्रेमिका बबली उपन्यास की बर्फी ने किसी और से शादी कर ली थी। विद्रोही एक दोस्त का नाम है जिसका इस्तेमाल चिराग ने अपने उपन्यास को प्रकाशित करने के लिए उपमान के नाम में रूप किया है। विद्रोही एक दोस्त
का नाम है जिसका इस्तेमाल चिराग ने अपने उपन्यास को प्रकाशित करने के लिए उपनाम के रूप में किया था। चूँकि बिट्टू खुद को बर्फी समझती है, इसलिए चिराग ये पता लगाना चाहता है कि क्या वे वास्तव में उसकी पूर्व प्रेमिका की तरह है, एक सहयोग जो उसे प्यार का दूसरा मौका दे सकता है। बिट्टी और चिराग कभी भी दोस्त बन गए, लेकिन वे अभी भी लेखक विद्रोही से मिलने की इच्छा रखती है जो उसे पत्रों का उत्तर भेजता रहा है। अभी तक इसे दिखावे से छुटकारा पाने को तैयार नहीं, वह बिट्टी को असली विद्रोही से मिलने की व्यवस्था करता है। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी बरेली की बर्फी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरेली की बर्फी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 18 अगस्त 2017 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी बरेली की बर्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। 2017 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं अश्विनी अय्यर तिवारी, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जानी डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 86% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, कीर्ति सेनन, आयुष्मान खुराना, पंकज त्रिपाठी, स्वाति सेमवाल, सीमा पावा, जावेद अख्तर, नेला अग्रवाल, रोहित चौधरी, सपना सेठ आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 2 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बरेली में एक गुस्से लड़की बिट्टी मिश्रा अरेंज मैरिज के एक और असफल प्रयास के बाद घर से भाग जाती है। ट्रेन की प्रतीक्षा करते समय वे एक किताब बरेली की बर्फी खरीदती है और पढ़ती है, और उसे ये जानकर झटका लगता है कि वे बर्फी है जिसका नाम मुख्य पात्र है। वे घर लौटती है और लेखक का पता लगाने का फैसला करती है, जिसका उल्लेख पिछले कवर पर
प्रीतिम विद्रोही के रूप में किया गया है, वे इस तथ्य से खुश है कि कोई है जो उसे उसी तरह प्यार करेगा जैसे वे है। किताब उसी दुकान का मालिक उसी चिराग दुबे के पास ले जाता है जो उसे प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है, जहाँ किताब प्रकाशित हुई थी, जो उसे सूचित करता है कि विद्रोही अब शेर में नहीं रहता। वे बिट्टी के लिए दूत बनने विद्रोही को उसने पत्र पहुँचाने और उसके उत्तर वापस लाने के लिए सहमत हो जाते हैं। हालांकि बिट्टी इस तथ्य से अनजान है कि चिराग किताब के मूल लेखक है। उन्होंने इसे 5 साल पहले तब लिखा था जब उनकी तत्कालीन प्रेमिका बबली उपन्यास की बर्फी ने किसी और से शादी कर ली थी। विद्रोही एक दोस्त का नाम है जिसका इस्तेमाल चिराग ने अपने उपन्यास को प्रकाशित करने के लिए उपमान के नाम में रूप किया है। चूंकि बिट्टू खुद को बर्फी समझती है, इसलिए चिराग ये पता लगाना चाहता है कि क्या वे वास्तव में उसकी पूर्व प्रेमिका की तरह है, एक सहयोग जो उसे प्यार का दूसरा मौका दे सकता है। बिट्टी और चिराग कभी भी दोस्त बन गए, लेकिन वे अभी भी लेखक विद्रोही से मिलने की इच्छा रखती है जो उसे पत्रों का उत्तर भेजता रहा है। अभी तक इसे दिखावे से छुटकारा पाने को तैयार नहीं, वह बिट्टी को असली विद्रोही से मिलने की व्यवस्था करता है। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी बरेली की बर्फी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरेली की बर्फी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 18 अगस्त 2017 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी बरेली की बर्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। 2017 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं अश्विनी अय्यर तिवारी, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जानी डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 86% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, कीर्ति सेनन, आयुष्मान खुराना, पंकज त्रिपाठी, स्वाति सेमवाल, सीमा पावा, जावेद अख्तर, नेला अग्रवाल, रोहित चौधरी, सपना सेठ आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 2 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा।
आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बरेली में एक गुस्सेल लड़की बिट्टी मिश्रा अरेंज मैरिज के एक और असफल प्रयास के बाद घर से भाग जाती है। ट्रेन की प्रतीक्षा करते समय वे एक किताब बरेली की बर्फ़ी खरीदती है और पढ़ती है, और उसे ये जानकर झटका लगता है कि वे बर्फ़ी है जिसका नाम मुख्य पात्र है। वे घर लौटती है और लेखक का पता लगाने का फैसला करती है, जिसका उल्लेख पिछले कवर पर प्रतिम विद्रोही के रूप में किया गया है। वे इस तथ्य से खुश है कि कोई है जो उसे उसी तरह प्यार करेगा जैसे वह है। किताब उसी दुकान का मालिक उसी चिराग दुबे के पास ले जाता है जो उसे प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है, जहाँ किताब प्रकाशित हुई थी, जो उसे सूचित करता है कि विद्रोही अब शेर में नहीं रहता। वे बिट्टी के लिए दूत बनने विद्रोही को उसने पत्र पहुँचाने और उसके उत्तर वापस लाने के लिए सहमत हो जाते हैं। हालांकि बिट्टी इस तथ्य से अनजान है कि चिराग किताब के मूल लेखक है। उन्होंने इसे 5 साल पहले तब लिखा था जब उनकी तत्कालीन प्रेमिका बबली उपन्यास की बर्फी ने किसी और से शादी कर ली थी। विद्रोही एक दोस्त का नाम है जिसका इस्तेमाल चिराग ने अपने उपन्यास को प्रकाशित करने के लिए उपमान के नाम में रूप किया है। चूंकि बिट्टी खुद को बर्फी समझती है, इसलिए चिराग ये पता लगाना चाहता है कि क्या वे वास्तव में उसकी पूर्व प्रेमिका की तरह है, एक सहयोग जो उसे प्यार का दूसरा मौका दे सकता है। बिट्टी और चिराग कभी भी दोस्त बन गए, लेकिन वे अभी भी लेखक विद्रोही से मिलने की इच्छा रखती है जो उसे पत्रों का उत्तर भेजता रहा है। अभी तक इसे दिखावे से छुटकारा पाने को तैयार नहीं, वह बिट्टी को असली विद्रोही से मिलने की व्यवस्था करता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी बरेली की बर्फी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरेली की बर्फी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 18 अगस्त 2017 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी बरेली की बर्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। 2017 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं अश्विन अय्यर तिवारी, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जानी डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 86% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, कीर्ति सेनन, आयुष्मान खुराना, पंकज त्रिपाठी, स्वाति सेमवाल, सीमा पावा, जावेद अख्तर, नेला अग्रवाल,
रोहित चौधरी, सपना सेठ आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 2 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बरेली में एक गुस्सेल लड़की बिट्टी मिश्रा अरेंज मैरिज के एक और असफल प्रयास के बाद घर से भाग जाती है। ट्रेन की प्रतीक्षा करते समय वे एक किताब बरेली की बर्फ़ी खरीदती है और पढ़ती है, और उसे ये जानकर झटका लगता है कि वे बर्फ़ी है जिसका नाम मुख्य पात्र है। वे घर लौटती है और लेखक का पता लगाने का फैसला करती है, जिसका उल्लेख पिछले कवर पर प्रतिम विद्रोही के रूप में किया गया है। वे इस तथ्य से खुश है कि कोई है जो उसे उसी तरह प्यार करेगा जैसे वह है। किताब उसी दुकान का मालिक उसी चिराग दुबे के पास ले जाता है जो उसे प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है, जहाँ किताब प्रकाशित हुई थी, जो उसे सूचित करता है कि विद्रोही अब शेर में नहीं रहता। वे बिट्टी के लिए दूत बनने विद्रोही को उसने पत्र पहुँचाने और उसके उत्तर वापस लाने के लिए सहमत हो जाते हैं। हालांकि बिट्टी इस तथ्य से अनजान है कि चिराग किताब के मूल लेखक है। उन्होंने इसे 5 साल पहले तब लिखा था जब उनकी तत्कालीन प्रेमिका बबली उपन्यास की बर्फी ने किसी और से शादी कर ली थी। विद्रोही एक दोस्त का नाम है जिसका इस्तेमाल चिराग ने अपने उपन्यास को प्रकाशित करने के लिए उपमान के नाम में रूप किया है। चूंकि बिट्टू खुद को बर्फी समझती है, इसलिए चिराग ये पता लगाना चाहता है कि क्या वे वास्तव में उसकी पूर्व प्रेमिका की तरह है, एक सहयोग जो उसे प्यार का दूसरा मौका दे सकता है। बिट्टी और चिराग कभी भी दोस्त बन गए, लेकिन वे अभी भी लेखक विद्रोही से मिलने की इच्छा रखती है जो उसे पत्रों का उत्तर भेजता रहा है। अभी तक इसे दिखावे से छुटकारा पाने को तैयार नहीं, वह बिट्टी को असली विद्रोही से मिलने की व्यवस्था करता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी बरेली की बर्फी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरेली की बर्फी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 18 अगस्त 2017 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी बरेली की बर्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। 2017 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी, और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं
अश्विन अय्यर तिवारी जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 86% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, कीर्ति सेनन, आयुष्मान खुराना, पंकज त्रिपाठी, स्वाति सेमवाल, सीमा पावा, जावेद अख्तर, नेला अग्रवाल, रोहित चौधरी, सपना सेठ आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 2 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बरेली में एक गुस्सेल लड़की बिट्टी मिश्रा अरेंज मैरिज के एक और असफल प्रयास के बाद घर से भाग जाती है। ट्रेन की प्रतीक्षा करते समय वे एक किताब बरेली की बर्फ़ी खरीदती है और पढ़ती है, और उसे ये जानकर झटका लगता है कि वे बर्फ़ी है जिसका नाम मुख्य पात्र है। वे घर लौटती है और लेखक का पता लगाने का फैसला करती है, जिसका उल्लेख पिछले कवर पर प्रतिम विद्रोही के रूप में किया गया है। वे इस तथ्य से खुश है कि कोई है जो उसे उसी तरह प्यार करेगा जैसे वह है। किताब उसी दुकान का मालिक उसी चिराग दुबे के पास ले जाता है जो उसे प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है, जहाँ किताब प्रकाशित हुई थी, जो उसे सूचित करता है कि विद्रोही अब शेर में नहीं रहता। वे बिट्टी के लिए दूत बनने विद्रोही को उसने पत्र पहुँचाने और उसके उत्तर वापस लाने के लिए सहमत हो जाते हैं। हालांकि बिट्टी इस तथ्य से अनजान है कि चिराग किताब के मूल लेखक है। उन्होंने इसे 5 साल पहले तब लिखा था जब उनकी तत्कालीन प्रेमिका बबली उपन्यास की बर्फी ने किसी और से शादी कर ली थी। विद्रोही एक दोस्त का नाम है जिसका इस्तेमाल चिराग ने अपने उपन्यास को प्रकाशित करने के लिए उपमान के नाम में रूप किया है। चूंकि बिट्टू खुद को बर्फी समझती है, इसलिए चिराग ये पता लगाना चाहता है कि क्या वे वास्तव में उसकी पूर्व प्रेमिका की तरह है, एक संयोग जो उसे प्यार का दूसरा मौका दे सकता है। बिट्टी और चिराग कभी भी दोस्त बन गए, लेकिन वे अभी भी लेखक विद्रोही से मिलने की इच्छा रखती है जो उसे पत्रों का उत्तर भेजता रहा है। अभी तक इसे दिखावे से छुटकारा पाने को तैयार नहीं, वह बिट्टी को असली विद्रोही से मिलने की व्यवस्था करता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी बरेली की बर्फी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरेली की बर्फी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को।
तो दोस्तों ये मूवी 18 अगस्त 2017 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी बरेली की बर्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। 2017 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं अश्विन अय्यर तिवारी, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जानी डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 86% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, कीर्ति सेनन, आयुष्मान खुराना, पंकज त्रिपाठी, स्वाति सेमवाल, सीमा पावा, जावेद अख्तर, नेला अग्रवाल, रोहित चौधरी, सपना सेड आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 2 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बरेली में एक गुस्सेल लड़की बिट्टी मिश्रा अरेंज मैरिज के एक और असफल प्रयास के बाद घर से भाग जाती है। ट्रेन की प्रतीक्षा करते समय वे एक किताब बरेली की बर्फी खरीदती है और पढ़ती है, और उसे ये जानकर झटका लगता है कि वे बर्फी है जिसका नाम मुख्य पात्र है। वे घर लौटती है और लेखक का पता लगाने का फैसला करती है, जिसका उल्लेख पिछले कवर पर प्रतिम विद्रोही के रूप में किया गया है। वे इस तथ्य से खुश है कि कोई है जो उसे उसी तरह प्यार करेगा जैसे वह है। किताब उसी दुकान का मालिक उसी चिराग दुबे के पास ले जाता है जो उसे प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है, जहाँ किताब प्रकाशित हुई थी, जो उसे सूचित करता है कि विद्रोही अब शेर में नहीं रहता। वे बिट्टी के लिए दूत बनने विद्रोही को उसने पत्र पहुँचाने और उसके उत्तर वापस लाने के लिए सहमत हो जाते हैं। हालांकि बिट्टी इस तथ्य से अनजान है कि चिराग किताब के मूल लेखक है। उन्होंने इसे 5 साल पहले तब लिखा था जब उनकी तत्कालीन प्रेमिका बबली उपन्यास की बर्फी ने किसी और से शादी कर ली थी। विद्रोही एक दोस्त का नाम है जिसका इस्तेमाल चिराग ने अपने उपन्यास को प्रकाशित करने के लिए उपमान के नाम में रूप किया है। चूँकि बिट्टू खुद को बर्फी समझती है, इसलिए चिराग ये पता लगाना चाहता है कि क्या वे वास्तव में उसकी पूर्व प्रेमिका की तरह है, एक सहयोग जो उसे प्यार का दूसरा मौका दे सकता है। बिट्टी और चिराग कभी भी दोस्त बन गए, लेकिन वे अभी भी लेखक विद्रोही से मिलने की इच्छा रखती है जो उसे पत्रों का उत्तर भेजता रहा है। अभी तक इसे दिखावे से छुटकारा पाने को तैयार नहीं, वह बिट्टी को असली विद्रोही से मिलने की व्यवस्था करता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
मिलते हैं दोस्तों के लिए नहीं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी बरेली की बर्फी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरेली की बर्फी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 18 अगस्त 2017 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी बरेली की बर्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। 2017 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं अश्विन अय्यर तिवारी, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जानी डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 86% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, कीर्ति सेनन, आयुष्मान खुराना, पंकज त्रिपाठी, स्वाति सेमवाल, सीमा पावा, जावेद अख्तर, नेला अग्रवाल, रोहित चौधरी, सपना सेठ आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 2 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बरेली में एक गुस्सेल लड़की बिट्टी मिश्रा अरेंज मैरिज के एक और असफल प्रयास के बाद घर से भाग जाती है। ट्रेन की प्रतीक्षा करते समय वे एक किताब बरेली की बर्फी खरीदती है और पढ़ती है, और उसे ये जानकर झटका लगता है कि वे बर्फी है जिसका नाम मुख्य पात्र है। वे घर लौटती है और लेखक का पता लगाने का फैसला करती है, जिसका उल्लेख पिछले कवर पर प्रतिम विद्रोही के रूप में किया गया है। वे इस तथ्य से खुश है कि कोई है जो उसे उसी तरह प्यार करेगा जैसे वह है। किताब उसी दुकान का मालिक उसी चिराग दुबे के पास ले जाता है जो उसे प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है, जहाँ किताब प्रकाशित हुई थी, जो उसे सूचित करता है कि विद्रोही अब शेर में नहीं रहता। वे बिट्टी के लिए दूत बनने विद्रोही को उसने पत्र पहुँचाने और उसके उत्तर वापस लाने के लिए सहमत हो जाते हैं। हालांकि बिट्टी इस तथ्य से अनजान है कि चिराग किताब के मूल लेखक है। उन्होंने इसे 5 साल पहले तब लिखा था जब उनकी तत्कालीन प्रेमिका बबली उपन्यास की बर्फी ने किसी और से शादी कर ली थी। विद्रोही एक दोस्त का नाम है जिसका इस्तेमाल चिराग ने अपने उपन्यास को प्रकाशित करने के लिए उपमान के नाम में रूप किया है। विद्रोही एक दोस्त
का नाम है जिसका इस्तेमाल चिराग ने अपने उपन्यास को प्रकाशित करने के लिए उपनाम के रूप में किया था। चूँकि बिट्टू खुद को बर्फी समझती है, इसलिए चिराग ये पता लगाना चाहता है कि क्या वे वास्तव में उसकी पूर्व प्रेमिका की तरह है, एक सहयोग जो उसे प्यार का दूसरा मौका दे सकता है। बिट्टी और चिराग कभी भी दोस्त बन गए, लेकिन वे अभी भी लेखक विद्रोही से मिलने की इच्छा रखती है जो उसे पत्रों का उत्तर भेजता रहा है। अभी तक इसे दिखावे से छुटकारा पाने को तैयार नहीं, वह बिट्टी को असली विद्रोही से मिलने की व्यवस्था करता है। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी बरेली की बर्फी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरेली की बर्फी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 18 अगस्त 2017 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी बरेली की बर्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। 2017 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं अश्विन अय्यर तिवारी, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जानी डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 86% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, कीर्ति सेनन, आयुष्मान खुराना, पंकज त्रिपाठी, स्वाति सेमवाल, सीमा पावा, जावेद अख्तर, नेला अग्रवाल, रोहित चौधरी, सपना सेठ आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 2 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बरेली में एक गुस्सेल लड़की बिट्टी मिश्रा अरेंज मैरिज के एक और असफल प्रयास के बाद घर से भाग जाती है। ट्रेन की प्रतीक्षा करते समय वे एक किताब बरेली की बर्फी खरीदती है और पढ़ती है, और उसे ये जानकर झटका लगता है कि वे बर्फी है जिसका नाम मुख्य पात्र है। वे घर लौटती है और लेखक का पता लगाने का फैसला करती है, जिसका उल्लेख
पिछले कवर पर प्रतिम विद्रोही के रूप में किया गया है। वे इस तथ्य से खुश है कि कोई है जो उसे उसी तरह प्यार करेगा जैसे वह है। किताब उसी दुकान का मालिक उसी चिराग दुबे के पास ले जाता है जो उसे प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है, जहाँ किताब प्रकाशित हुई थी, जो उसे सूचित करता है कि विद्रोही अब शेर में नहीं रहता। वे बिट्टी के लिए दूत बनने विद्रोही को उसने पत्र पहुँचाने और उसके उत्तर वापस लाने के लिए सहमत हो जाते हैं। हालांकि बिट्टी इस तथ्य से अनजान है कि चिराग किताब के मूल लेखक है। उन्होंने इसे 5 साल पहले तब लिखा था जब उनकी तत्कालीन प्रेमिका बबली उपन्यास की बर्फी ने किसी और से शादी कर ली थी। विद्रोही एक दोस्त का नाम है जिसका इस्तेमाल चिराग ने अपने उपन्यास को प्रकाशित करने के लिए उपमान के नाम में रूप किया है। चूंकि बिट्टू खुद को बर्फी समझती है, इसलिए चिराग ये पता लगाना चाहता है कि क्या वे वास्तव में उसकी पूर्व प्रेमिका की तरह है, एक सहयोग जो उसे प्यार का दूसरा मौका दे सकता है। बिट्टी और चिराग कभी भी दोस्त बन गए, लेकिन वे अभी भी लेखक विद्रोही से मिलने की इच्छा रखती है जो उसे पत्रों का उत्तर भेजता रहा है। अभी तक इसे दिखावे से छुटकारा पाने को तैयार नहीं। वह बिट्टी को असली विद्रोही से मिलने की व्यवस्था करता है। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी बरेले की बर्फी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरेली की बर्फी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 18 अगस्त 2017 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी बरेली की बर्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। 2017 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों, ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी के डायरेक्टर हैं अश्विन अय्यर तिवारी, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जानी डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है। एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 86% तक लाइक किया है। तो दोस्तों, ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, कीर्ति सेनन, आयुष्मान खुराना, पंकज त्रिपाठी, स्वाति सेमवाल, सीमा पावा, जावेद अख्तर, नेला अग्रवाल, रोहित चौधरी, सपना सेठ आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 2 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप
बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बरेली में एक गुस्सेल लड़की बिट्टी मिश्रा अरेंज मैरिज के एक और असफल प्रयास के बाद घर से भाग जाती है। ट्रेन की प्रतीक्षा करते समय वे एक किताब बरेली की बर्फी खरीदती है और पढ़ती है, और उसे ये जानकर झटका लगता है कि वे बर्फी है जिसका नाम मुख्य पात्र है। वे घर लौटती है और लेखक का पता लगाने का फैसला करती है, जिसका उल्लेख है पिछले कवर पर प्रतिम विद्रोही के रूप में किया गया है। वे इस तथ्य से खुश है कि कोई है जो उसे उसी तरह प्यार करेगा जैसे वे है। किताब उसी दुकान का मालिक उसी चिराग दुबे के पास ले जाता है जो उसे प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है, जहाँ किताब प्रकाशित हुई थी, जो उसे सूचित करता है कि विद्रोही अब शेर में नहीं रहता। वे बिट्टी के लिए दूत बनने विद्रोही को उसने पत्र पहुँचाने और उसके उत्तर वापस लाने के लिए सहमत हो जाते हैं। हालांकि बिट्टी इस तथ्य से अनजान है कि चिराग किताब के मूल लेखक है। उन्होंने इसे 5 साल पहले तब लिखा था जब उनकी तत्कालीन प्रेमिका बबली उपन्यास की बर्फी ने किसी और से शादी कर ली थी। विद्रोही एक दोस्त का नाम है जिसका इस्तेमाल चिराग ने अपने उपन्यास को प्रकाशित करने के लिए उपमान के नाम में रूप किया है। चूंकि बिट्टू खुद को बर्फी समझती है, इसलिए चिराग ये पता लगाना चाहता है कि क्या वे वास्तव में उसकी पूर्व प्रेमिका की तरह है, एक सहयोग जो उसे प्यार का दूसरा मौका दे सकता है। बिट्टी और चिराग कभी भी दोस्त बन गए, लेकिन वे अभी भी लेखक विद्रोही से मिलने की इच्छा रखती है जो उसे पत्रों का उत्तर भेजता रहा है। अभी तक इसे दिखावे से छुटकारा पाने को तैयार नहीं, वह बिट्टी को असली विद्रोही से मिलने की व्यवस्था करता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी बरेली की बर्फी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरेली की बर्फी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 18 अगस्त 2017 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी बरेली की बर्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। 2017 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी, और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं अश्विनी अय्यर तिवारी, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जानी डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 86% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, कीर्ति सेनन, आयुष्मान खुराना, पंकज त्रिपाठी, स्वाति सेमवाल, सीमा पावा, जावेद अख्तर, नेला ग्रेवाल, रोहित चौधरी, सपना सेठ आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 2 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बरेली में एक गुस्से लड़की बिट्टी मिश्रा अरेंज मैरिज के एक और असफल प्रयास के बाद घर से भाग जाती है। ट्रेन की प्रतीक्षा करते समय वे एक किताब बरेली की बर्फी खरीदती है और पढ़ती है, और उसे ये जानकर झटका लगता है कि वे बर्फी है जिसका नाम मुख्य पात्र है। वे घर लौटती है और लेखक का पता लगाने का फैसला करती है, जिसका उल्लेख पिछले कवर पर प्रतिम विद्रोह के रूप में किया गया है। वे इस तथ्य से खुश है कि कोई है जो उसे उसी तरह प्यार करेगा जैसे वे है। किताब उसी दुकान का मालिक उसी चिराग दुबे के पास ले जाता है जो उसे प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है, जहाँ किताब प्रकाशित हुई थी, जो उसे सूचित करता है कि विद्रोही अब शेर में नहीं रहता। वे बिट्टी के लिए दूत बनने विद्रोही को उसने पत्र पहुँचाने और उसके उत्तर वापस लाने के लिए सहमत हो जाते हैं। हालांकि बिट्टी इस तथ्य से अनजान है कि चिराग किताब के मूल लेखक है। उन्होंने इसे 5 साल पहले तब लिखा था जब उनकी तत्कालीन प्रेमिका बबली उपन्यास की बर्फी ने किसी और से शादी कर ली थी। विद्रोही एक दोस्त का नाम है जिसका इस्तेमाल चिराग ने अपने उपन्यास को प्रकाशित करने के लिए उपमान के नाम में रूप किया है। चूंकि बिट्टू खुद को बर्फी समझती है, इसलिए चिराग ये पता लगाना चाहता है कि क्या वे वास्तव में उसकी पूर्व प्रेमिका की तरह है, एक सहयोग जो उसे प्यार का दूसरा मौका दे सकता है। बिट्टी और चिराग कभी भी दोस्त बन गए, लेकिन वे अभी भी लेखक विद्रोही से मिलने की इच्छा रखती है जो उसे पत्रों का उत्तर भेजता रहा है। अभी तक इसे दिखावे से छुटकारा पाने को तैयार नहीं, वह बिट्टी को असली विद्रोही से मिलने की व्यवस्था करता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी बरेली की बर्फी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरेली की बर्फी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 18 अगस्त 2017 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी बरेली की बर्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। 2017 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है।
तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं अश्विन अय्यर तिवारी, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जानी डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 86% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, कीर्ति सेनन, आयुष्मान खुराना, पंकज त्रिपाठी, स्वाति सेमवाल, सीमा पावा, जावेद अख्तर, नेला अग्रवाल, रोहित चौधरी, सपना सेठ आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 2 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बरेली में एक गुस्सेल लड़की बिट्टी मिश्रा अरेंज मैरिज के एक और असफल प्रयास के बाद घर से भाग जाती है। ट्रेन की प्रतीक्षा करते समय वे एक किताब बरेली की बर्फी खरीदती है और पढ़ती है, और उसे ये जानकर झटका लगता है कि वे बर्फी है जिसका नाम मुख्य पात्र है। वे घर लौटती है और लेखक का पता लगाने का फैसला करती है, जिसका उल्लेख पिछले कवर पर प्रतिम विद्रोही के रूप में किया गया है। वे इस तथ्य से खुश है कि कोई है जो उसे उसी तरह प्यार करेगा जैसे वह है। किताब उसी दुकान का मालिक उसी चिराग दुबे के पास ले जाता है जो उसे प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है, जहाँ किताब प्रकाशित हुई थी, जो उसे सूचित करता है कि विद्रोही अब शेर में नहीं रहता। वे बिट्टी के लिए दूत बनने विद्रोही को उसने पत्र पहुँचाने और उसके उत्तर वापस लाने के लिए सहमत हो जाते हैं। हालांकि बिट्टी इस तथ्य से अनजान है कि चिराग किताब के मूल लेखक है। उन्होंने इसे 5 साल पहले तब लिखा था जब उनकी तत्कालीन प्रेमिका बबली उपन्यास की बर्फी ने किसी और से शादी कर ली थी। विद्रोही एक दोस्त का नाम है जिसका इस्तेमाल चिराग ने अपने उपन्यास को प्रकाशित करने के लिए उपमान के नाम में रूप किया है। चूंकि बिट्टी खुद को बर्फी समझती है, इसलिए चिराग ये पता लगाना चाहता है कि क्या वे वास्तव में उसकी पूर्व प्रेमिका की तरह है, एक सहयोग जो उसे प्यार का दूसरा मौका दे सकता है। बिट्टी और चिराग कभी भी दोस्त बन गए, लेकिन वे अभी भी लेखक विद्रोही से मिलने की इच्छा रखती है जो उसे पत्रों का उत्तर भेजता रहा है। अभी तक इसे दिखावे से छुटकारा पाने को तैयार नहीं, वह बिट्टी को असली विद्रोही से मिलने की व्यवस्था करता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी बरेली की बर्फी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरेली की बर्फी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है।
आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 18 अगस्त 2017 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी बरेली की बर्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। 2017 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं अश्विन अय्यर तिवारी, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जानी डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 86% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, कीर्ति सेनन, आयुष्मान खुराना, पंकज त्रिपाठी, स्वाति सेमवाल, सीमा पावा, जावेद अख्तर, नेला अग्रवाल, रोहित चौधरी, सपना सेठ आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 2 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बरेली में एक गुस्सेल लड़की बिट्टी मिश्रा अरेंज मैरिज के एक और असफल प्रयास के बाद घर से भाग जाती है। ट्रेन की प्रतीक्षा करते समय वे एक किताब बरेली की बर्फी खरीदती है और पढ़ती है, और उसे ये जानकर झटका लगता है कि वे बर्फी है जिसका नाम मुख्य पात्र है। वे घर लौटती है और लेखक का पता लगाने का फैसला करती है, जिसका उल्लेख पिछले कवर पर प्रतिम विद्रोही के रूप में किया गया है। वे इस तथ्य से खुश है कि कोई है जो उसे उसी तरह प्यार करेगा जैसे वह है। किताब उसी दुकान का मालिक उसी चिराग दुबे के पास ले जाता है जो उसे प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है, जहाँ किताब प्रकाशित हुई थी, जो उसे सूचित करता है कि विद्रोही अब शेर में नहीं रहता। वे बिट्टी के लिए दूत बनने विद्रोही को उसने पत्र पहुँचाने और उसके उत्तर वापस लाने के लिए सहमत हो जाते हैं। हालांकि बिट्टी इस तथ्य से अनजान है कि चिराग किताब के मूल लेखक है। उन्होंने इसे 5 साल पहले तब लिखा था जब उनकी तत्कालीन प्रेमिका बबली उपन्यास की बर्फी ने किसी और से शादी कर ली थी। विद्रोही एक दोस्त का नाम है जिसका इस्तेमाल चिराग ने अपने उपन्यास को प्रकाशित करने के लिए उपमान के नाम में रूप किया है। चूंकि बिट्टू खुद को बर्फी समझती है, इसलिए चिराग ये पता लगाना चाहता है कि क्या वे वास्तव में उसकी पूर्व प्रेमिका की तरह है, एक सहयोग जो उसे प्यार का दूसरा मौका दे सकता है। बिट्टी और चिराग कभी भी दोस्त बन गए, लेकिन वे अभी भी लेखक विद्रोही से मिलने की इच्छा रखती है जो उसे पत्रों का उत्तर भेजता रहा है। अभी तक इसे दिखावे से छुटकारा पाने को तैयार नहीं, वह बिट्टी को असली विद्रोही से मिलने की व्यवस्था करता है।
तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी बरेली की बर्फी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरेली की बर्फी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 18 अगस्त 2017 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी बरेली की बर्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। 2017 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं अश्विन अय्यर तिवारी, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जानी डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 86% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, कीर्ति सेनन, आयुष्मान खुराना, पंकज त्रिपाठी, स्वाति सेमवाल, सीमा पावा, जावेद अख्तर, नेला अग्रवाल, रोहित चौधरी, सपना सेड आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 2 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बरेली में एक गुस्सेल लड़की बिट्टी मिश्रा अरेंज मैरिज के एक और असफल प्रयास के बाद घर से भाग जाती है। ट्रेन की प्रतीक्षा करते समय वे एक किताब बरेली की बर्फी खरीदती है और पढ़ती है, और उसे ये जानकर झटका लगता है कि वे बर्फी है जिसका नाम मुख्य पात्र है। वे घर लौटती है और लेखक का पता लगाने का फैसला करती है, जिसका उल्लेख पिछले कवर पर प्रतिम विद्रोही के रूप में किया गया है। वे इस तथ्य से खुश है कि कोई है जो उसे उसी तरह प्यार करेगा जैसे वह है। किताब उसी दुकान का मालिक उसी चिराग दुबे के पास ले जाता है जो उसे प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है, जहाँ किताब प्रकाशित हुई थी, जो उसे सूचित करता है कि विद्रोही अब शेर में नहीं रहता। वे बिट्टी के लिए दूत बनने विद्रोही को उसने पत्र पहुँचाने और उसके उत्तर वापस लाने के लिए सहमत हो जाते हैं। हालांकि बिट्टी इस तथ्य से अनजान है कि चिराग किताब के मूल लेखक है। उन्होंने इसे 5 साल पहले तब लिखा था जब उनकी तत्कालीन प्रेमिका बबली उपन्यास की बर्फी ने किसी और से शादी कर ली थी। विद्रोही एक दोस्त का नाम है जिसका इस्तेमाल चिराग ने अपने उपन्यास को प्रकाशित करने के लिए उपमान के नाम में रूप किया है। विद्रोही एक दोस्त
का नाम है जिसका इस्तेमाल चिराग ने अपने उपन्यास को प्रकाशित करने के लिए उपनाम के रूप में किया था। चूँकि बिट्टू खुद को बर्फी समझती है इसलिए चिराग ये पता लगाना चाहता है कि क्या वे वास्तव में उसकी पूर्व प्रेमिका की तरह है, एक सहयोग जो उसे प्यार का दूसरा मौका दे सकता है। बिट्टी और चिराग कभी भी दोस्त बन गए लेकिन वे अभी भी लेखक विद्रोही से मिलने की इच्छा रखती है जो उसे पत्रों का उत्तर भेजता रहा है। अभी तक इसे दिखावे से छुटकारा पाने को तैयार नहीं, वह बिट्टी को असली विद्रोही से मिलने की व्यवस्था करता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी बरेली की बर्फी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरेली की बर्फी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 18 अगस्त 2017 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी बरेली की बर्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। 2017 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं अश्विन अय्यर तिवारी, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जानी डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 86% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, कीर्ति सेनन, आयुष्मान खुराना, पंकज त्रिपाठी, स्वाति सेमवाल, सीमा पावा, जावेद अख्तर, नेला अग्रवाल, रोहित चौधरी, सपना सेठ आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 2 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बरेली में एक गुस्सेल लड़की बिट्टी मिश्रा अरेंज मैरिज के एक और असफल प्रयास के बाद घर से भाग जाती है। ट्रेन की प्रतीक्षा करते समय वे एक किताब बरेली की बर्फी खरीदती है और पढ़ती है और उसे ये जानकर झटका लगता है कि वे बर्फी है जिसका नाम मुख्य पात्र है। वे घर लौटती है और लेखक का पता लगाने का फैसला करती है।
जिसका उल्लेख पिछले कवर पर प्रतिम विद्रोह के रूप में किया गया है। वे इस तथ्य से खुश है कि कोई है जो उसे उसी तरह प्यार करेगा जैसे वह है। किताब उसी दुकान का मालिक उसी चिराग दुबे के पास ले जाता है जो उसे प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है, जहाँ किताब प्रकाशित हुई थी, जो उसे सूचित करता है कि विद्रोही अब शेर में नहीं रहता। वे बिट्टी के लिए दूत बनने विद्रोही को उसने पत्र पहुँचाने और उसके उत्तर वापस लाने के लिए सहमत हो जाते हैं। हालांकि बिट्टी इस तथ्य से अनजान है कि चिराग किताब के मूल लेखक है। उन्होंने इसे 5 साल पहले तब लिखा था जब उनकी तत्कालीन प्रेमिका बबली उपन्यास की बर्फी ने किसी और से शादी कर ली थी। विद्रोही एक दोस्त का नाम है जिसका इस्तेमाल चिराग ने अपने उपन्यास को प्रकाशित करने के लिए उपमान के नाम में रूप किया है। चूंकि बिट्टू खुद को बर्फी समझती है, इसलिए चिराग ये पता लगाना चाहता है कि क्या वे वास्तव में उसकी पूर्व प्रेमिका की तरह है, एक सहयोग जो उसे प्यार का दूसरा मौका दे सकता है। बिट्टी और चिराग कभी भी दोस्त बन गए, लेकिन वे अभी भी लेखक विद्रोही से मिलने की इच्छा रखती है जो उसे पत्रों का उत्तर भेजता रहा है। अभी तक इसे दिखावे से छुटकारा पाने को तैयार नहीं। वह बिट्टी को असली विद्रोही से मिलने की व्यवस्था करता है। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी बरेली की बर्फी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरेली की बर्फी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 18 अगस्त 2017 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी बरेली की बर्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। 2017 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों, ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी के डायरेक्टर हैं अश्विन अय्यर तिवारी, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जानी डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 86% तक लाइक किया है। तो दोस्तों, ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, कीर्ति सेनन, आयुष्मान खुराना, पंकज त्रिपाठी, स्वाति सेमवाल, सीमा पावा, जावेद अख्तर, नेला अग्रवाल, रोहित चौधरी, सपना सेठ आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 2 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा।
आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बरेली में एक गुस्सेल लड़की बिट्टी मिश्रा अरेंज मैरिज के एक और असफल प्रयास के बाद घर से भाग जाती है। ट्रेन की प्रतीक्षा करते समय वे एक किताब बरेली की बर्फ़ी खरीदती है और पढ़ती है, और उसे ये जानकर झटका लगता है कि वे बर्फ़ी है जिसका नाम मुख्य पात्र है। वे घर लौटती है और लेखक का पता लगाने का फैसला करती है, जिसका उल्लेख पिछले कवर पर प्रतिम विद्रोही के रूप में किया गया है। वे इस तथ्य से खुश है कि कोई है जो उसे उसी तरह प्यार करेगा जैसे वह है। किताब उसी दुकान का मालिक उसी चिराग दुबे के पास ले जाता है जो उसे प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है, जहाँ किताब प्रकाशित हुई थी, जो उसे सूचित करता है कि विद्रोही अब शेर में नहीं रहता। वे बिट्टी के लिए दूत बनने विद्रोही को उसने पत्र पहुँचाने और उसके उत्तर वापस लाने के लिए सहमत हो जाते हैं। हालांकि बिट्टी इस तथ्य से अनजान है कि चिराग किताब के मूल लेखक है। उन्होंने इसे 5 साल पहले तब लिखा था जब उनकी तत्कालीन प्रेमिका बबली उपन्यास की बर्फी ने किसी और से शादी कर ली थी। विद्रोही एक दोस्त का नाम है जिसका इस्तेमाल चिराग ने अपने उपन्यास को प्रकाशित करने के लिए उपमान के नाम में रूप किया है। चूंकि बिट्टू खुद को बर्फी समझती है, इसलिए चिराग ये पता लगाना चाहता है कि क्या वे वास्तव में उसकी पूर्व प्रेमिका की तरह है, एक सहयोग जो उसे प्यार का दूसरा मौका दे सकता है। बिट्टी और चिराग कभी भी दोस्त बन गए, लेकिन वे अभी भी लेखक विद्रोही से मिलने की इच्छा रखती है जो उसे पत्रों का उत्तर भेजता रहा है। अभी तक इसे दिखावे से छुटकारा पाने को तैयार नहीं। वह बिट्टी को असली विद्रोही से मिलने की व्यवस्था करता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी बरेली की बर्फी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरेली की बर्फी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी की कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 18 अगस्त 2017 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी बरेली की बर्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। 2017 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी, और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं अश्विन अय्यर तिवारी, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जानी डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 86% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, कीर्ति सेनन, आयुष्मान खुराना, पंकज त्रिपाठी, स्वाति सेमवाल, सीमा पावा, जावेद अख्तर, नेला अग्रवाल, रोहित चौधरी, सपना सेठ आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार
तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 2 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बरेली में एक गुस्सेल लड़की बिट्टी मिश्रा अरेंज मैरिज के एक और असफल प्रयास के बाद घर से भाग जाती है। ट्रेन की प्रतीक्षा करते समय वे एक किताब बरेली की बर्फ़ी खरीदती है और पढ़ती है, और उसे ये जानकर झटका लगता है कि वे बर्फ़ी है जिसका नाम मुख्य पात्र है। वे घर लौटती है और लेखक का पता लगाने का फैसला करती है, जिसका उल्लेख पिछले कवर पर प्रतिम विद्रोही के रूप में किया गया है। वे इस तथ्य से खुश है कि कोई है जो उसे उसी तरह प्यार करेगा जैसे वे है। किताब उसी दुकान का मालिक उसी चिराग दुबे के पास ले जाता है जो उसे प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है, जहाँ किताब प्रकाशित हुई थी, जो उसे सूचित करता है कि विद्रोही अब शेर में नहीं रहता। वे बिट्टी के लिए दूत बनने विद्रोही को उसने पत्र पहुँचाने और उसके उत्तर वापस लाने के लिए सहमत हो जाते हैं। हालांकि बिट्टी इस तथ्य से अनजान है कि चिराग किताब के मूल लेखक है। उन्होंने इसे 5 साल पहले तब लिखा था जब उनकी तत्कालीन प्रेमिका बबली उपन्यास की बर्फी ने किसी और से शादी कर ली थी। विद्रोही एक दोस्त का नाम है जिसका इस्तेमाल चिराग ने अपने उपन्यास को प्रकाशित करने के लिए उपमान के नाम में रूप किया है। चूंकि बिट्टू खुद को बर्फी समझती है, इसलिए चिराग ये पता लगाना चाहता है कि क्या वे वास्तव में उसकी पूर्व प्रेमिका की तरह है, एक सहयोग जो उसे प्यार का दूसरा मौका दे सकता है। बिट्टी और चिराग कभी भी दोस्त बन गए, लेकिन वे अभी भी लेखक विद्रोही से मिलने की इच्छा रखती है जो उसे पत्रों का उत्तर भेजता रहा है। अभी तक इसे दिखावे से छुटकारा पाने को तैयार नहीं, वह बिट्टी को असली विद्रोही से मिलने की व्यवस्था करता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी बरेली की बर्फी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरेली की बर्फी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी की कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 18 अगस्त 2017 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी बरेली की बर्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। 2017 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी, और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं
अश्विन ने अय्यर तिवारी जो कि काफ़ी अच्छी मानी जानी डायरेक्टर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 86% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, कीर्ति सेनन, आयुष्मान खुराना, पंकज त्रिपाठी, स्वाति सेमवाल, सीमा पावा, जावेद अख्तर, नेला अग्रवाल, रोहित चौधरी, सपना सेठ आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 2 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज से इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बरेली में एक गुस्से लड़की बिट्टी मिश्रा अरेंज मैरिज के एक और असफल प्रयास के बाद घर से भाग जाती है। ट्रेन की प्रतीक्षा करते समय वे एक किताब बरेली की बर्फी खरीदती है और पढ़ती है, और उसे ये जानकर झटका लगता है कि वे बर्फी है जिसका नाम मुख्य पात्र है। वे घर लौटती है और लेखक का पता लगाने का फैसला करती है, जिसका उल्लेख पिछले कवर पर प्रतिम विद्रोही के रूप में किया गया है। वे इस तथ्य से खुश है कि कोई है जो उसे उसी तरह प्यार करेगा जैसे वे है। किताब उसी दुकान का मालिक उसी चिराग दुबे के पास ले जाता है जो उसे प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है, जहाँ किताब प्रकाशित हुई थी, जो उसे सूचित करता है कि विद्रोही अब शेर में नहीं रहता। वे बिट्टी के लिए दूत बनने विद्रोही को उसने पत्र पहुँचाने और उसके उत्तर वापस लाने के लिए सहमत हो जाते हैं। हालांकि बिट्टी इस तथ्य से अनजान है कि चिराग किताब के मूल लेखक है। उन्होंने इसे 5 साल पहले तब लिखा था जब उनकी तत्कालीन प्रेमिका बबली उपन्यास की बर्फी ने किसी और से शादी कर ली थी। विद्रोही एक दोस्त का नाम है जिसका इस्तेमाल चिराग ने अपने उपन्यास को प्रकाशित करने के लिए उपमान के नाम में रूप किया है। चूंकि बिट्टू खुद को बर्फी समझती है, इसलिए चिराग ये पता लगाना चाहता है कि क्या वे वास्तव में उसकी पूर्व प्रेमिका की तरह है, एक सहयोग जो उसे प्यार का दूसरा मौका दे सकता है। बिट्टी और चिराग कभी भी दोस्त बन गए, लेकिन वे अभी भी लेखक विद्रोही से मिलने की इच्छा रखती है जो उसे पत्रों का उत्तर भेजता रहा है। अभी तक इसे दिखावे से छुटकारा पाने को तैयार नहीं, वह बिट्टी को असली विद्रोही से मिलने की व्यवस्था करता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी बरेली की बर्फी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरेली की बर्फी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को।
तो दोस्तों ये मूवी 18 अगस्त 2017 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी बरेली की बर्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। 2017 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं अश्विन अय्यर तिवारी, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जानी डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 86% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, कीर्ति सेनन, आयुष्मान खुराना, पंकज त्रिपाठी, स्वाति सेमवाल, सीमा पावा, जावेद अख्तर, नेला अग्रवाल, रोहित चौधरी, सपना सेठ आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 2 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बरेली में एक गुस्सेल लड़की बिट्टी मिश्रा अरेंज मैरिज के एक और असफल प्रयास के बाद घर से भाग जाती है। ट्रेन की प्रतीक्षा करते समय वे एक किताब बरेली की बर्फी खरीदती है और पढ़ती है, और उसे ये जानकर झटका लगता है कि वे बर्फी है जिसका नाम मुख्य पात्र है। वे घर लौटती है और लेखक का पता लगाने का फैसला करती है, जिसका उल्लेख पिछले कवर पर प्रतिम विद्रोही के रूप में किया गया है। वे इस तथ्य से खुश है कि कोई है जो उसे उसी तरह प्यार करेगा जैसे वह है। किताब उसी दुकान का मालिक उसी चिराग दुबे के पास ले जाता है जो उसे प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है, जहाँ किताब प्रकाशित हुई थी, जो उसे सूचित करता है कि विद्रोही अब शेर में नहीं रहता। वे बिट्टी के लिए दूत बनने विद्रोही को उसने पत्र पहुँचाने और उसके उत्तर वापस लाने के लिए सहमत हो जाते हैं। हालांकि बिट्टी इस तथ्य से अनजान है कि चिराग किताब के मूल लेखक है। उन्होंने इसे 5 साल पहले तब लिखा था जब उनकी तत्कालीन प्रेमिका बबली उपन्यास की बर्फी ने किसी और से शादी कर ली थी। विद्रोही एक दोस्त का नाम है जिसका इस्तेमाल चिराग ने अपने उपन्यास को प्रकाशित करने के लिए उपमान के नाम में रूप किया है। चूंकि बिट्टू खुद को बर्फी समझती है, इसलिए चिराग ये पता लगाना चाहता है कि क्या वे वास्तव में उसकी पूर्व प्रेमिका की तरह है, एक सहयोग जो उसे प्यार का दूसरा मौका दे सकता है। बिट्टी और चिराग कभी भी दोस्त बन गए, लेकिन वे अभी भी लेखक विद्रोही से मिलने की इच्छा रखती है जो उसे पत्रों का उत्तर भेजता रहा है। अभी तक इसे दिखावे से छुटकारा पाने को तैयार नहीं, वह बिट्टी को असली विद्रोही से मिलने की व्यवस्था करता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी बरेली की बर्फी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरेली की बर्फी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 18 अगस्त 2017 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी बरेली की बर्फी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। 2017 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं अश्विन अय्यर तिवारी, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जानी डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 73% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 86% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि राजकुमार राव, कीर्ति सेनन, आयुष्मान खुराना, पंकज त्रिपाठी, स्वाति सेमवाल, सीमा पावा, जावेद अख्तर, नेला अग्रवाल, रोहित चौधरी, सपना सेठ आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 2 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बरेली में एक गुस्सेल लड़की बिट्टी मिश्रा अरेंज मैरिज के एक और असफल प्रयास के बाद घर से भाग जाती है। ट्रेन की प्रतीक्षा करते समय वे एक किताब बरेली की बर्फी खरीदती है और पढ़ती है, और उसे ये जानकर झटका लगता है कि वे बर्फी है जिसका नाम मुख्य पात्र है। वे घर लौटती है और लेखक का पता लगाने का फैसला करती है, जिसका उल्लेख पिछले कवर पर प्रतिम विद्रोही के रूप में किया गया है। वे इस तथ्य से खुश है कि कोई है जो उसे उसी तरह प्यार करेगा जैसे वह है। किताब उसी दुकान का मालिक उसी चिराग दुबे के पास ले जाता है जो उसे प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है, जहाँ किताब प्रकाशित हुई थी, जो उसे सूचित करता है कि विद्रोही अब शेर में नहीं रहता। वे बिट्टी के लिए दूत बनने विद्रोही को उसने पत्र पहुँचाने और उसके उत्तर वापस लाने के लिए सहमत हो जाते हैं। हालांकि बिट्टी इस तथ्य से अनजान है कि चिराग किताब के मूल लेखक है। उन्होंने इसे 5 साल पहले तब लिखा था जब उनकी तत्कालीन प्रेमिका बबली उपन्यास की बर्फी ने किसी और से शादी कर ली थी। विद्रोही एक दोस्त का नाम है जिसका इस्तेमाल चिराग ने अपने उपन्यास को प्रकाशित करने के लिए उपमान के नाम में रूप किया है। विद्रोही एक दोस्त
का नाम है जिसका इस्तेमाल चिराग ने अपने उपन्यास को प्रकाशित करने के लिए उपनाम के रूप में किया था। चूँकि बिट्टू खुद को बर्फी समझती है, इसलिए चिराग ये पता लगाना चाहता है कि क्या वे वास्तव में उसकी पूर्व प्रेमिका की तरह है, एक सहयोग जो उसे प्यार का दूसरा मौका दे सकता है। बिट्टी और चिराग कभी भी दोस्त बन गए, लेकिन वे अभी भी लेखक विद्रोही से मिलने की इच्छा रखती है जो उसे पत्रों का उत्तर भेजता रहा है। अभी तक इसे दिखावे से छुटकारा पाने को तैयार नहीं, वह बिट्टी को असली विद्रोही से मिलने की व्यवस्था करता है। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।